हाल ही में खतरों के खिलाड़ी 12 का एक प्रोमो सामने आया था, जिसमें एक्ट्रेस कनिका मान और रुबीना दिलीप में शुक्रमुर्ग टास्क को लेकर बहस होती नजर आई थी। प्रोमो में देखा गया कि रुबीना दिलीप ने कनिका मान पर टास्क के दौरान चीटिंग करने का गंभीर आरोप लगाया। वीडियो में स्टंट शुरू करने से पहले रुबीना काफी नाराज दिखी, जिस पर रोहित ने उनसे इसका कारण पूछा तो रुबीना ने खुलासा करते हुए बताया कि कनिका मान ने टास्क से पहले फोन का इस्तेमाल कर ये जानने की कोशिश की है कि शुतुरमुर्ग को वश में कैसे किया जाए जिससे वो ये टास्क जीत सके। जिसका जवाब देते हुए कनिका मान कहती है कि ये मेरा फोन नहीं था, मैं टेम का मतलब ही नहीं जानती। पर रुबीना और कनिका की इस लड़ाई वाले वीडियो ने हर किसी को खूब हैरान किया, लेकिन अब कनिका ने इस लड़ाई पर रिएक्ट किया है। जी हां, दरअसल हाल ही में कनिका मान समेत खतरों के खिलाड़ी 12 के कई दूसरे कंटेस्टेंट्स ने पार्टी कर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। इस दौरान सभी ने केक कट किया और इस पार्टी में खूब ड्रिंक श्रिंक भी हुई, जिसकी कुछ झलकियां कनिका मान ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर भी की हैं, जिसमें कई जगह वो ड्रिंक करती नजर आ रही हैं। इस पार्टी के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कनिका ने इस इंसिडेंट पर रिएक्ट किया। जी हाँ, नशे की हालत में कनिका से जब मीडिया कर्मियों ने लड़ाई पर सवाल पूछा तो कनिका ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब वो शुतुरमुर्ग को टेम करना सीख गई हैं, यानी कि अब वो शुतुरमुर्ग को वश में कर सकती हैं। वहीं कनिका ने आगे ये भी कहा कि बाकी आप शो में देखेंगे। बता दें कि इस पांच में कनिका मान के अलावा मोहित मलिक, सीजन 11 के विजेता अर्जुन बिजरानी, अदिति मलिक, निशान भट्ट, चेतना पांडे और अनेरी वजानी भी मौजूद थी। वहीं रुबीना, तुषार कालिया, राजीव आदित्य, जन्नत जुबे, फैजल शेख पार्टी से नदारद दिखे। वेल, अब भले ही मजाक में ही सही, लेकिन कनिका ने तो इस नोक झोंक पर अपनी बात कह दी। लेकिन रुबीना कैसे रिएक्ट करेंगे इस पूरी घटना पर, ये अब देखने वाली बात रहेगी। बता दें कि खतरों के खिलाड़ी 12 के टॉप 3 कंटेस्टेंट्स को लेकर भी सोशल मीडिया पर नाम काफी वायरल हो रहे हैं, जिसमें तुषार कालिया, फैजल शेख उर्फ फैजू और मोहित मलिक के बीच में कड़े मुकाबले की बात कही जा रही है। हालांकि शो की ट्रॉफी कौन घर ले जाएगा, ये बात तो फिनाले से ही सामने आएगी।